आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉड कल्चर पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये हमने सारे को रिपोर्ट कर रहा हूँ, रूट प्रूनिंग करूँगा मैं, और ये वही प्लांट्स है फ्रेंड जो हमने 76 फूल एक साथ खिलाया था। और ये भारत में ये पहला यूट्यूब पर वीडियो है जो रूट के संबंधित है, और सारे रूट क्वाइल्स जो है मैं आपको दिखा दूँ, ये सारे रूट क्वाइल जो है अभी तक का ऐसा पहली बार हो रहा है जो इतने सारे रूट क्वाइल्स जो है वो कभी पौधे में देखने को नहीं मिले हैं। और यही नतीजा है कि हम पूरी गमले का, एक मेरा सपना था, हमारा ये सपना सब्सक्राइबर के लिए था कि सब्सक्राइबर करके दिखाते हैं, चूँकि मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत दिक्कत थी, बहुत लोगों का प्लास्टिक पॉट था, बहुत सारी कमियाँ थी, तो सब्सक्राइबर बेस पर उतनी नहीं हो पाई सफलताएँ। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये सारा हमारा पौधा जो है एक साथ हमने रिपोर्ट किया, और क्वालिटी और टेक्सचर जो है हमारा, जो एक मोटो रहता है रूट का, एक्चुअली रूट ही जीवन है गुलाब का, और रूट के पे ही हमारा शुरू से लेके और जब तक यूट्यूब पे हमारा वीडियो आएगा संबंधित रूट पे ही रहेगा। क्यों? कि रूट के लिए मैंने बहुत ही परिश्रम और मेहनत किया है, और रूट क्वाइल जो है अगर आप रूट गमले में नहीं बना पाए, नहीं कर पाए, तो फिर वो गुलाब करना बेकार है। आज का जो वीडियो है महा सीक्रेट रूट प्रूनिंग के ऊपर है, जो एक साथ फूल खिलाने का ट्रिक्स है। रूट प्रूनिंग और रिपोर्ट करने से पहले सबसे पहले काम करना होगा आपको कि मिट्टी का गमला लेना होगा, फ्रेश गमला। दूसरी चीज़, आपको सिंडर नया लेना होगा, और सिंडर को धो करके सुखा करके ही यूज़ करना होगा, यही एक ट्रिक है। तो ये सारा जो है हम रिपोर्ट करेंगे और रूट प्रूनिंग करेंगे सबका, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिए। हम सबसे पहले कि सारे चीज़ को हम फ्रेश कर लें, और कैसे एक साथ फूल हमने खिलाया था, क्या टेक्निक अपनाया था, सिर्फ एक पौधे में ही हम करके ये दिखाएंगे जो विलांच वाला है। पानी को हमने शॉर्ट किया, ये सारा पौधा जो है हमारा डोरमेंसी का सिम्टम दे रहा था, रेस्टिंग पीरियड में था, और सारी की ग्रोथ वो रुका हुआ था, उसका चलन जो भी ग्रोथ था और वो था, ये गमले से बाहर फ्रेंड्स नहीं निकल रहा था, बहुत खींचना पड़ा है तब जाके निकला है, रस्सी की मदद लेना पड़ा तब जाके निकला, वो छोड़ नहीं रहा था गमला, ठीक है? तो कैसे पौधे को बैठाएंगे, कैसे रूट प्रूनिंग करेंगे, आइए हम देखते हैं उस चीज़ों को। फ्रेंड्स, ये एविलांच का प्लांट है जिसमें 176 फूल खिला था, तो इसकी रूट प्रूनिंग कैसे करेंगे देख लेंगे। रूट की सारी रूट प्रूनिंग अलग अलग कंडीशन में होती है। रूट प्रूनिंग कभी भी 2 साल 3 साल के पुराने पौधे में ही रूट प्रूनिंग किया जाता है। हम आधे इंची लगभग जो है यहाँ से रूट प्रूनिंग हम करेंगे, ठीक है? नीचे का पैड जो है हम केवल जो है हम साफ़ कर देंगे, एक तेज़ धार हेक्सा ब्लेड लेकर के कीजिएगा, ठीक है? चूँकि है क्या कि तेज़ धार से, हेक्सा ब्लेड से बहुत अच्छा रूट प्रूनिंग होता है, और बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको, ठीक है? और यहाँ से जो चीज़ें हैं, जो सड़ा हुआ चीज़ है, बस इसको हम निकाल लेंगे, और साइड में जो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी वाइट रूट है, वाइट रूट को हम नहीं छेड़ेंगे। इस तरह से रूट जब हो जाता है तो ही रूट प्रूनिंग किया जाता है, ऐसे ब्राउनिश टाइप में, और शाम के समय कीजिएगा, लाइट है, चूँकि बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये रूट प्रूनिंग हो गया हमारा, ठीक है? ये साइड से निकाल करके, ये रूट प्रूनिंग करके हम पौधे को जो है बैठा देंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ देखिए सिंडर ये जो है सड़ रहा है, यहाँ सिंडर हार्डनेस वजह से सिंडर का जो तत्व है, ये देखिए अब ध्यान से अगर हम दिखाएँ तो ये देखिए यही सारा सिंडर को ख़राब करता है, और यहीं से रूट को सड़ाने लगता है। आप ये देखिए इसको, इस पोर्शन को भी हम थोड़ा सा निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये रूट प्रूनिंग करके हम रिपोर्ट करने के लिए बैठा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि सिंडर हमारा धोया हुआ है, फ्रेश सिंडर लीजिएगा। उसके बाद वही चीज़ करना है, हम बस माइकोराइजा लेंगे, ठीक है? फ्रेंड्स, ये माइकोराइजा लेंगे, और लगभग रैली गोल्ड आप ले सकते हैं, ये हमारा पाउडरी फॉर्म है, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हाईली IP जिसका होता है 1200, 1500, 800, वो आप माइकोराइजा ले लीजिएगा, रैली गोल्ड का भी अच्छा है। और ये करीब 2 से 5 ग्राम जो है आप देख सकते हैं पौधे के हिसाब से, और बीचों बीच करके यूनियन बर्ड तक पूरा सिंडर जो है डूबा रहना चाहिए। इस तरह से करके हम रूट प्रूनिंग करके अपने पौधे को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये बहुत सीक्रेट जानकारी वाली ये वीडियो है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि इसको जो है हम केवल पानी पे ही रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वाटर मैनेजमेंट हम करके बैक्टीरिया डेवलप करके और वो कर देंगे। इस तरह से सिंडर हो जाने के बाद तो 1 इंची सिंडर जो है हम
अभी छोड़ देंगे, बाद में इसको जो है हम भरेंगे और ठीक है, और ऊपरी सतह में जब माइकोराइजा दे देंगे तो एक दो इंची सेंटर होने के बाद हम थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट देंगे, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा, रूट में सड़न बहुत ज़्यादा आता है। वर्मी और ये अपना सिंडर का टाई अप बैठ नहीं पाता। वर्मी कंपोस्ट कब देना है, दिया जाता है, लेकिन उसकी भी एक समय होती है, उसके बाद वो डाल के निकाला भी जाता है। तो इस तरह से करके जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कोई तेज चीज़ से इसको जो है घसाई कर देंगे ताकि पौधा जो है एयर प्रॉपर हट जाए, और कोई लकड़ी के तेज मदद से आप जो है घसाई कर सकते हैं, या तो खुरपी वगैरह के जो नोकीली होती है साइड से उससे आप करके घसाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सारा रेस्टिंग पीरियड वाला पौधा जो है हमारा ये रिपोर्ट हो चुका है रूट प्रूनिंग के साथ। तो फ्रेंड्स आप सब, ये हमारा पूरा पौधा है जो रेस्टिंग पीरियड से उभर करके अपना रिपोर्ट के तरफ, अब इसके बाद से हम रूट ट्रीटमेंट करके और पानी पे ही हम रूट को ग्रोथ करेंगे, थोड़ी सी सीवीड वगैरह देंगे और रूट मल्टीप्लायर एक बार दे करके और एक दो फीडिंग जो है 12x60 के दे करके हम नेट जो है 20 से 25 दिन बाद जो है हम इसका प्रूनिंग करेंगे, और प्रूनिंग का भी वीडियो हम बहुत जल्द दे देंगे आपको। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी गार्डन थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, अच्छे से इसको सजाना भी है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय फ्रेंड्स।